चुनाव हम लोगों के यहाँ कटिहार में तीसरे चरण में है, 7 नवंबर को होना है। और जो आरटी फोरम के द्वारा जो मैनिफेस्टो तैयार किया गया वो भी कई कैंडिडेट को दिया गया है, और कैंडिडेट लोग भी काफी अप्रिशिएट किया है कि नहीं, अच्छा पहल है, और वो आश्वस्त भी किए हैं कि जब हम चुनाव जीतेंगे तो इस पर निश्चित रूप से काम करेंगे। और कई कैंडिडेट ऐसे भी हैं जिससे कि हमारा संपर्क लगातार रहा है, शिक्षा के सवाल पर, आंगनबाड़ी केंद्र के सवाल पर, तो वो जानते हैं इस बात को कि नहीं, हम लोग यदि आते हैं सदन में जीतकर तो निश्चित रूप से एक बेहतर शिक्षा व्यवस्था लाएंगे, और आरटी फोरम की वजह से ही एक एनालिसिस भी हुआ कि कितने राजनीतिक दलों ने अपने अपने मैनिफेस्टो में शिक्षा को प्राथमिकता दी है, उसका भी हम लोगों ने अध्ययन किया है, और एक अच्छा प्रयास हुआ जिसके वजह से मैनिफेस्टो में, राजनीतिक दल के मैनिफेस्टो में यह बात भी आई कि हम शिक्षा पर इतना कुल बजट का इतना खर्च करेंगे, शिक्षा हमारी प्राथमिकता रहेगी। पिछले कई चुनावों के बाद यह पहला चुनाव है जब शिक्षा भी एक बड़ा सवाल बन करके राजनीतिक दल के पास आया है, उनको भी समझ में आ रहा है कि यह एक बड़ा मुद्दा बन रहा है। और मैं जो समझता हूँ एक अच्छी बात है इस बार कि चुनाव का जो स्थिति बन रही है कि हो सकता है कि सरकार भी, जो मौजूदा सरकार है जो बिल्कुल शिक्षा के विरोधी रहा है, इस सरकार की जाने की स्थिति भी हो सकती है, और महागठबंधन में इस बार लेफ्ट जुड़ा हुआ है, तो लेफ्ट शुरू से भी शिक्षा को एक बड़ा मुद्दा मानता रहा है। अगर किसी तरह महागठबंधन की सरकार बनेगी तो हम लोगों के लिए एक अच्छा बात ये होगी कि लेफ्ट के माध्यम से हम लोग कॉमन स्कूल सिस्टम की जो बात कर रहे थे तो वह आगे इसको आंदोलन का रूप देने, सरकार पर दबाव बनाने के लिए कि इसे लागू किया जाए में डाल दिया। तो हम लोगों को लगता है कि इस बार सभी राजनीतिक दल शिक्षा को एक गंभीरता से लिया है, और आने वाले समय में हम लोगों को चुनाव के बाद इसका फॉलो अप करना पड़ेगा कि जिन जिन लोगों ने अपने घोषणा पत्र में शामिल किया है, अगर वह सरकार में आते हैं तब तो उससे हम लोगों को काम कराना पड़ेगा कि जो आप वादा किए हैं उसको पूरा कीजिए, अगर वह सरकार में नहीं आते हैं तो सदन में पूरा बुलंदी के साथ अपनी आवाज को उठाए कि जो आपने हम लोगों से वादा किया है ग्राउंड पर, उसके बाद जो हम लोगों के साथ मिल करके जो बात हुई थी वो कि हम लोग शिक्षा के सवाल पर काम करेंगे, सदन में बात उठाएंगे, तो हम लोगों को आगे भी एक चुनौती के रूप में लेते हुए संबंधित जो चुन करके हमारे प्रतिनिधि आएंगे, विधायक आएंगे, उनके साथ हमारा एक रिलेशन बना रहना चाहिए ताकि हम सदन में पूरा जोर से इस 5 साल के दौरान हम लोग शिक्षा का स्वरूप बिहार में बदलेंगे। और ये हम लोगों का एक उम्मीद भी है इस बार के चुनाव से कि आरटी फोरम ने जो एक बीड़ा उठाया है, एक जबरदस्त बीड़ा उठाया है, और कोई दूसरा संगठन इस बार कहीं नजर नहीं आया है कि शिक्षा के सवाल को लेकर चुनाव में एक मुद्दा बने, तो आरटी फोरम ने ये मुद्दा को उठाया है। हम सभी साथी मिलकर के इसको एक जन आंदोलन का रूप दें, और चुनाव के बाद भी हमारा ये अभियान जारी रहे जिससे कि हम लोग आने वाले 5 साल में एक बेहतर बिहार शिक्षा के मामले में बने, जो कि पूरे हिंदुस्तान में एक रोल मॉडल भी बने कि भाई बिहार के साथियों ने काफी काम किया है। अभी भी सभी साथी मिलकर के सभी प्रत्याशी से मिलते हैं और उनको अपनी बात रखते हैं, अपना घोषणा पत्र उनको देते हैं, और जिस तरह से घोषणा पत्र बना है और सबके समझ में भी आ रहा है, ये बात बहुत सरल तरीके से बनाया गया है और अच्छा तरीके से बनाया गया है, सभी प्रत्याशी इस बात को स्वीकारते भी हैं। तो हम इतना ही कहकर अपनी बात को समाप्त करते हैं और एक उम्मीद करते हैं कि आने वाला जो विधानसभा का जो नया सदन बनेगा, नया विधानसभा बनेगा, शिक्षा के मामले में क्रांति जरूर लाएगी, ऐसा उम्मीद करते हैं, और सभी साथी को एक बार फिर से धन्यवाद। शुक्रिया सूरज जी।